नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस लाए हैं आपके लिए, जो कि आपको पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए या फिर पूरी बॉडी को एक्सरसाइज देने के लिए या व्यायाम देने के लिए बहुत ही काफ़ी है, राइट। जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। मुझे पता है आप सबको पता होगा सूर्य नमस्कार कैसे करना है, किस तरह से करना है, और उसके फ़ायदे भी आपको पता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं करते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आपसे कि आज के बाद ये प्रैक्टिस आप अपने जीवन के अंदर रेगुलर बेस के ऊपर रखिए, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार आप में एक पूरा व्यायाम है, संपूर्ण व्यायाम है। और अगर उसको अगर प्रॉपरली आप करेंगे रेगुलर बेस के ऊपर, तो मेरा यकीन मानिए कि आपकी बॉडी है उसके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी, एक ऊर्जा बनी रहेगी, और आपका जो बॉडी है अपने आप में एक हेल्दी बना रहेगा। मुझे भी देख सकते हो आप, मैं रेगुलर बेस के ऊपर एवरीडे 5-6 सूर्य नमस्कार करता ही हूँ, और मैं अपनी बॉडी को एक हमेशा एक एनर्जेटिक पाता हूँ। तो प्लीज़ आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे ये आसन को सीख दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के बाद धीरे 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 आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ को और ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए। तो इसके अंदर 8 से 12 आसन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको करना है, एक पूरा एक सीरीज़ के थ्रू 1 by 1 आसन करते जाइए। अगर स्पिरिचुअली करें तो ये आसन के हर एक आसन का एक मंत्र है, अगर वो मंत्र के साथ करेंगे आपको एक अलग प्रकार का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा है, एक सनराइज होता है तभी सूर्य के सामने आप खड़े रहकर ये आसन करेंगे, ये सूर्य नमस्कार, तो बहुत ही अच्छा उसके लाभ है। आपको सन का डायरेक्टली लाइट मिलेगी, विटामिन डी आपके बॉडी में आएगा, आपकी स्किन को और ज़्यादा टोन अप करने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आसन आपको बहुत अच्छे काम आएंगे। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आसन है, और सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप रेगुलर कीजिए और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। Before we begin this video, don't forget to subscribe to our channel for more daily tips like this, and turn on notifications so you never miss our new videos. Did you enjoy this video? That's great! Hit the like button and share it with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching. Surya Namaskar. Surya prithvi par rehne wale sabhi jeevon ke liye urja ka srot hai. Surya Namaskar hamare sharir ka sampurn और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्राणायाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न ले। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटाकर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर
इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग, जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पाद हस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। नेक्स्ट है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग को जो अगर पता नहीं है कि कैसे हेल्दी बना जाए, तो खाली ये सूर्य नमस्कार वो करेंगे स्टार्टिंग में, उनसे ही उनका बॉडी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी उससे लाभ हो जाए। थैंक यू।